जो हमारे नसीब में लिखा जा रहा है, जो हमें दिया जा रहा है, ये वो बेशकीमती खजाना है जिसे अपनी तमाम जिंदगी की दौलत, जन्म जन्मांतर की दौलत लुटा करके भी अगर पाना चाहोगे ना, तो भी नसीब नहीं होगा। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के आधार पर, हमारी प्रार्थना के आधार पर, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमें वो चीज सहजता से उपलब्ध हो रही है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें, बताओ? क्या इससे ज्यादा और सहजता के साथ ईश्वर हमें कुछ दे सकता है क्या? न जाने किस जन्म में आप लोगों ने कौन सी करुण पुकार की होगी ईश्वर से, हे ईश्वर, अबकी बार इस धरती पर जाएं तो हमें आप मिलना, हमें मुक्ति का मार्ग मिलना, हमें वो रास्ता देना। और जब उसने दे दिया तो हम भूल गए। क्या हमारी आपस में मन की कटुता दूर हुई है? क्या हमारा एक दूसरे के प्रति वो सम्मान की नजरों से देखना एक दूसरे को, क्या वो दुरुस्त है? क्या आज भी हम एक दूसरे से नफरत, घृणा या किसी बात को लेकर मन मुटाव, तनाव, किसी बात की नाराजगी दिल में पाले बैठे हैं? अगर हैं तो हम उस दौलत से वंचित हैं। किस चीज का अहंकार करना है, राजा हो या फकीर हो, उन्हीं दोमड़ लकड़ियों के ऊपर जाना है उसको। सोने की लकड़ियां नहीं लगती है वहां पर, चांदी का बिस्तर नहीं लगता वहां पर, 56 भोग नहीं खिलाया जाता। वही दोमड़ लकड़ी होगी, वही मुंह में तुलसी का पत्ता होगा, गंगा जल होगा, यात्रा समाप्त। फिर क्यों अपने मनों में ऐसी बात रखते हो? अरे उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा हुआ तो हमें क्यों नहीं, हम ऐसा तो उसके साथ क्यों नहीं? ईश्वर ने दिमाग दिया, ईश्वर ने जुबान दी, ईश्वर ने आंखें दी, ईश्वर ने हाथ दिया, ईश्वर ने समझ दी, सोच दी। निर्भर हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ प्रयोग करते हैं। पेंसिल से आप चाहे कुछ लिखो या लकीटे मारो, लकीटे करते ना बनते, चाहे लकीटे करो चाहे कुछ लिखो, चॉइस इज योर। पेन थोड़े ना रोकेगा कि भाई मेरा ऐसा दुरुपयोग मत करो। शरीर दिया है भगवान ने, अब इसमें चाहे हम सात्विक भोजन डालें चाहे तामसिक भोजन डालें, चॉइस इज योर। ये मति ईश्वर ने दी है, इसमें सद्गुणों का उदय हो या दुर्गुणों का उदय हो, चॉइस इज योर। धन ईश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग हो या उसका दुरुपयोग हो, चॉइस इज योर। भगवान ने पांव दिए हैं, चलने की ताकत दी है, सही रास्ते पर चलेंगे कि गुमराहियत के रास्ते पर जाएंगे, चॉइस इज योर। इन हाथों से श्रेष्ठ कर्म करना है या हर उस जीव की तरह जो सड़क पर या देखते हो समाज के अंदर रोज अपनी दिनचर्या को खराब कर रहे हैं, इन हाथों को उन चीजों में लगाना है या श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, चॉइस इज योर। अपने बच्चों को संस्कार देने हैं या संपत्ति देनी है, दौलत देनी है या संस्कार देने, चॉइस इज योर। अगर संस्कारों की दौलत दोगे तो बच्चे कभी गरीब रह नहीं सकते, और पैसे की दौलत दी और संस्कार नहीं दिए तो वो दौलत उनके किसी काम नहीं आएगी, वो भिखारी के भिखारी रहेंगे। इसीलिए
ईश्वर ने हर चीज की व्यवस्था इतनी सुंदर तरीके से की है। आपने कभी नोट देखा, सिक्का देखा है? पीछे से सब एक जैसे दिखते हैं। 500 के 10 नोट पीछे से देखोगे सब एक जैसे दिखेंगे, आगे से देखोगे तो उसमें भिन्नता नजर आएगी कि इसका नोट का नंबर क्या है ना। सिक्के को पीछे से देखोगे सब एक जैसे दिखेंगे, आगे से देखोगे पता लगेगा कि एक का है, दो का है, किसका है। ऐसे हमारा जीवन है, इसको साधारण तरीके से देखोगे तो सबका एक जैसा है। माँ बाप ने पैदा किया, हम बड़े हुए, शिक्षा ली, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमारे बच्चे हो गए, उनको पाल पोस के बड़ा कर देना है, मकान बना देना है, सेटल हो जाएंगे, पोते पोते की शादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक दिन चले जाएंगे, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर जाएंगे, सब एक जैसे ही है। इस दुनिया का एक भी आदमी इससे बाहर काम नहीं कर रहा है। इसी जीवन को सीधा करके देखोगे तो हर व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी लेके आया है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का कर्म अलग है, हर व्यक्ति के दुख अलग हैं, हर व्यक्ति के सुख अलग हैं, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है, हर व्यक्ति परमात्मा के मार्ग पर अलग तरीके से चल रहा है और हर व्यक्ति को परमात्मा की कृपा अलग तरीके से मिल रही है। कोई भी एक चीज समानांतर नहीं है, इवन की शक्ल भी एक जैसी नहीं है, ना शक्ल एक जैसी, ना विचार एक जैसे, ना रंग रूप एक जैसा, कुछ भी तो एक जैसा नहीं है, दृष्टिकोण है। जब आपकी जैसी चीज दुनिया में किसी और के पास नहीं है तो फिर हम अपने जीवन को कंपैरिजन उसका दूसरों से क्यों करें, क्यों करें? क्या कोई जन्म के साथ आपके आया था कि जी चलो जी शर्मा जी, वर्मा जी, मित्तल जी और ये सब जा रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूं उनके साथ, बेचारे नीचे तकलीफ पाएंगे, कोई आया था सपोर्ट के लिए? वो जब लेटोगे चिता पे तो कोई बगल में लेटेगा, अरे आप तो मेरे बड़े प्यारे थे? ऊपर जाके हिसाब किताब लिया जाएगा तो किसका लिया जाएगा, आपका लिया जाएगा कि भैया और किसी का लिया जाएगा? तो इस बात की गंभीरता को समझो, जिस यात्रा के हम यात्री हैं, जिस पथ के हम पथिक हैं, ये पथ शून्य से अनंत की यात्रा का है, ये साधारण पथ नहीं है, ये शून्य से अनंत की यात्रा का पथ है। और इस पथ का पथिक बनना ही सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खासियत है, दुर्लभ है, ये देवी देवताओं को भी यह नसीब नहीं होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ में कावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक समा। केवल यही एक समय है जहां से हम वर्तमान, अपना परलोक और अपना भूतकाल का हिसाब किताब सब कुछ यहीं पर बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी लोक में नहीं है, केवल और केवल धरती लोक ऐसा है जिस लोक के अंदर हम इन चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना? और कोई रास्ता नहीं। तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन कैसे होगा, कैसे होगा स्वयं का अध्ययन? क्या नहीं बताया गया? बताया गया। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा स्वाध्याय होता है, हमारे स्वयं का अध्ययन होता है कि मन कितना कंट्रोल में हुआ, शांत हुआ या अभी भी भागता है इधर उधर, शरीर हमारा स्थिर हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी खुजली चलती 2 मिनट बैठते ही। ये स्वाध्याय है, स्वयं के अंदर ही स्वयं को स्थिर कर लेना, ये स्वाध्याय है। तो इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ आपका शरीर है, ऊर्जा आपका मन है, आपकी आत्मा है। तो शरीर स्थिर हुआ और मन स्थिर हुआ तो इसका मतलब आपकी तराजू बैलेंस हो गई, अपने तराजू का बैलेंस चेक करो। कहा था ना, कहा था ना
तो कैसे, वहां तो हमने तेल डाल के बराबर कर दिया, चलो क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट लगे इधर उधर करा, हो गया बैलेंस। जिंदगी की तराजू की तो बैलेंस होनी है। वो सब जो वहां हमने किया है वो प्रतीक रूप में किया है, प्रतीक रूप में। तेल वहां प्रयोग किया गया, ये राह जो है बड़ी फिसलन भरी राह है, पग पग पर हमारे फिसलन है। फिसलन से मतलब हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये हमारा पथ पे, हम जब चलते हैं इस पथ पर तो हमें फिसलाते हैं, हमें गिराने की कोशिश करते हैं। तो वहां हमने नमक को भी इस्तेमाल किया, यानी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प ईश्वर के प्रति, अपने उस वचन को पूरा करने की प्रतिज्ञा। नमक हरामे ने नमक हलाली, दीपक जलाए, क्यों, ताकि उस परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में रहे। तराजू प्रयोग में की, किस लिए, ताकि जीवन के कर्मों की जो गति है ना बैलेंस रहे। और साष्टांग प्रणाम किया कि खुद को हमने खाक में मिला दिया तेरे आगे, अब खाक में मिल गए तो हमारा अपना वजूद क्या है? और अखंड ज्योत से ज्योत जलाई, कि उस परमात्मा की जो ज्योत है, जो अखंड है, उस अखंड ज्योत से हमने अपने जीवन की ज्योत को जलाई है, ये ज्योत ऐसे ही कायम रहे चहु दिशाओं के अंदर। ये हमारा तत्व विद्यमान रहे, बैलेंस रहे, इस तत्व की प्रधानता रहे, हमारे भीतर के तत्व सक्रिय रहे। हमने अपनी गति को, अपने जीवन की गति को सुरक्षित करने के लिए ईश्वर के सामने शनि के न्याय की अदालत में हमने प्रतिज्ञा की है। अगर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हो रही है, वचनबद्ध होके हो रही है, तो क्या शनि हम पर विश्वास नहीं करेगा? नहीं करेगा। भाई कोई आदमी कोर्ट में जाके जमानत के पेपर देता है तो कोर्ट उसकी बात पर विश्वास करती है ना, कि ठीक है आपको जमानत दे दी जाती है। लेकिन जमानत के भी तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की पालना यदि नहीं होगी तो